गोलू, ये गोलू नहीं, ये आदि, आदि ये सोना सबसे इंटेलिजेंट गर्ल। मेरी बहन होगी तो इंटेलिजेंट नहीं होगी तो क्या होगी? अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट आप थोड़ी ना हो, आप तो खुद इंटेलिजेंट हो। हेलो, तो आज हमें टाइम मिला है, आज है सैटरडे और तुषार यहाँ पे आया हुआ है। और एक्चुअली आज हमें जो काम है, मैंने भाई से बाइक बुलेट ले ली है अपनी और स्कूटी उसको दे दी है। तो अभी क्या काम है, हमें गद्दी कुत्ते चाहिए, तो हम मसूरी साइड जा रहे हैं और गद्दी कुत्ते सर्च करेंगे। एक महीना हो गया ढूंढते हुए गद्दी कुत्तों को, लेकिन बहुत मुश्किल से मिल ही नहीं रहे बकरी वाले जो रखते हैं। और अभी देखते हैं वो मिलेंगे कहाँ पे। मेरे भाई ने बताया कि लंबी धार माइंस यानी कि मसूरी की साइड एक गांव है, वहाँ पे शायद मिल जाए। अब मुझे पेयर चाहिए एक मेल और फीमेल का, और देखते हैं, लेट्स सी। सो फिलहाल हमें पौन घंटा हो गया चले हुए और हम फिलहाल यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट वाले रास्ते पर हैं। थोड़ा सा काफ़ी अच्छा हमें फॉरेस्ट दिखाई दिया, तो सोचा इसको रिकॉर्ड कर लें। देखो कितना अच्छा घर है। All through this road. कैमरे में विजिबल नहीं है, पर ना पूरा देहरादून दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा जगह। क्या कह रहा है? गाड़ी खड़ी है, कितनी अच्छी जगह है। ओके, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। मोरियाना में मोरियाना का जो डांडा पड़ता है ना इधर से। अच्छा ठीक है ठीक है। रोहतू की वैली से होते हुए, रोहतू की वैली मेरे को पता है, जैसे कि सोवा खोली से थोड़ा सा नीचे गए। हाँ जी ठीक है, थोड़ा नहीं मतलब ठीक है। तो वहाँ से मोरियाना पड़ेगा 20 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा रोहतू की वैली से, 20-25 वहाँ पे इस समय होंगे, क्योंकि अब ये वापसी जाता है ना, क्योंकि अब इस तरह गर्म होता है। हाँ, हाँ, वापस जाने जो पहाड़ी क्षेत्र में जो डांडा जिसे बोलते हैं, तो वहाँ इस समय ठंडा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर इस समय वापसी जाते हैं। अच्छा अच्छा, अप्रैल मई के। अच्छा, वो हाइट पे है ना रोहतू की वैली उधर। चलो, तो वहाँ उस तरफ में मिल जाएगा। मैं तो इनको देख के रुक गया, यहाँ पे तो आई है। ये कौन है? ना ना, ये तो क्या बोलते उसका नाम, यहीं के बकरे हैं, तो इनके पास भी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो इनके पास भी नहीं होंगे ना अभी, तो यहाँ है। अच्छा, ये वाला इसको बोलते हैं ना भूटिया, मेन तो गद्दी तो ये है ना, मेन जो भूटिया है वो यही है, और जो वो है ऊपर वाला है वो मिक्सअप है। वो तो मिक्सअप है, ऐसा चाहिए भैया दिलवा दो। भोटिया का ना दोनों मिश्रण हो गया, ये हमारा वाला है, ये उसका है, टोपी वाले। अभी हम वहाँ जा रहे हैं किमाड़ी गांव की तरफ, उधर भी सुनने में आया वहाँ पे भी है। उधर होंगे आई को, हाँ अगर जी किमाड़ी की तरफ, अगर उस तरफ में आगे की तरफ अगर निकल गए तो उस तरफ में मिल सकता है, नहीं तो फिर उसके बाद मोरियाना में मिलेगा। मोरियाना में, और इस समय एग्जैक्ट जो मैं एड्रेस बता रहा हूँ ना, वहाँ मोरियाना में मिलेगा ही मिलेगा आपको, दाएं बाएं में, क्योंकि इस समय उधर ही से जाता नहीं। बच्चे तो इनके 12 महीने होते रहते होंगे, बच्चे तो इनके बोलते सीजन है वीजन है, मैंने कहा ये तो 12 महीने होते हैं, यहाँ आते हैं ना। अच्छा, वो तो आते हैं। 12:15 हो गए हैं, हम इस टाइम सुआ खोली से पहले इस जगह का नाम नहीं पता मेरे को, ये क्या है, क्या लिख रहा है लोकेशन मसूरी, क्या असवालिस, तो पता नहीं क्या है, कौन सी जगह है ये, क्या भाटा घाट। अच्छा भाटा घाट, ये धनौल्टी रोड भाटा घाट है। तो फिलहाल हम सोच रहे हैं कुछ खा के निकले, क्योंकि आगे दिक्कत है, कुछ नहीं मिलता कुछ भी खाने के लिए। आ जा, यहाँ का व्यू देख सकते हैं। फिलहाल चाउमीन और यहाँ पे कुछ नहीं है, बस मोमो और ये मैगी है। इनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, मैं आपको आगे नहीं बताऊँगा कि हमने क्या खाया। फिलहाल तो आप नज़ारा देखिए। एक्चुअली ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे जहाँ पे हम हैं, ये पूरा रोड मसूरी से धनोल्टी और कनकल चंबा जाता है और फिर ऋषिकेश। तो ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ के ऊपर ऊपर रास्ता चलता है। इस पहाड़ से आप उधर का व्यू भी देख सकते हैं, देहरादून साइड का, और बैक साइड भी देख सकते हैं। तो अब देखिए कितना अच्छा नज़ारा आता है आगे जब धनोल्टी की तरफ चलते हैं और कन्नतल। ये पूरा जो ये पहाड़ है, ये जबरखत इतने से रिजर्व है, और उस तरफ उत्तरकाशी, फिर इन पहाड़ों के पीछे हिमालयन रेंज दिखाई देती है, वो भी दिखाएंगे अभी जब वहाँ पहुँचेंगे कन्नतल। सो फिलहाल हमने असवाल हिमालय व्यू रेस्टोरेंट पे रिफ्रेशमेंट के बाद हम इस तरफ देहरादून साइड की घाटी का नज़ारा लेते हुए, जगह कितनी प्यारी है ना वहाँ पे, हम से बैठो घूमो, मतलब प्लेन है,
एक झोपड़ी बनी है। खेल लो कुछ भी, मतलब थोड़ा काफी जगह प्ले ये वैली देख रहे हो क्या गजब है, देवदार के पेड़ है सारे, गजब वैली। और उन पेड़ों का वो देख रहे हो वो दूसरे वाले, वो कितने खूबसूरत है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि क्या खुशबू आ रही है, थोड़ी लंबी सांस दे अंदर तक, भ्रमरन तक जाता है बिल्कुल। चलो तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, और काश हमें गद्दी कुत्ता मिल जाए। और यहाँ पे कुछ ये वन उपच्चो चेक पोस्ट बाटा घाट है, ये पूरा जबर खेत नेचर रिजर्व। ऊपर को रास्ता लैंड रोड जा रहा है लाल टिब्बा की तरफ, और नीचे को वापस बार्लोगंज होते हुए देहरादून। और इस तरफ हमें जाना है धनौटी होते हुए चंबा होते हुए ऋषिकेश। लेट्स गो। कहाँ से? तो फिलहाल ये हमें पेड़ मिला है, देवदार एस्टेट। दिस इज देवदार एस्टेट। हाउ ब्यूटीफुल। अभी हम बाइक बंद कर लेते हैं क्योंकि ढलान है, लेकिन ढलान तो बहुत जल्दी खत्म होगी। स्टार्ट। पैकेट फेंका है प्लास्टिक का, ठीक है, और मुझे बहुत हर्ट हुआ है। लोग बोलते हैं, लोग बाहर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, मेरठ से आते हैं, गंदगी फैलाते हैं। नहीं, मैंने पहाड़ियों को भी गंदगी फैलाते हुए बहुत देखा है। खुद के पहाड़ हैं, पहाड़ी लोग हैं, लेकिन वो भी उनको भी ये नहीं है पहले कि यहाँ पे चिप्स का पैकेट नहीं फेंकना है सड़क पे। तो एक्चुअली हम धनौल्टी पहुंचने वाले हैं, और धनौल्टी में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक रिज़ोर्ट दिख गया है। यहाँ के रिज़ोर्ट कुछ इस तरह के हैं कि आपको देखो कैसे सीढ़ी पे चलना पड़ेगा, जिप लाइन और काफ़ी सारी एक्टिविटी होती हैं। आप इन कैंपों में भी रुक सकते हैं, और वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो आप, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स का व्यू दिखाने के लिए। ग्लेशियर्स, तो लेट्स गो। तो सर आगे चलते हैं। तो अभी हम धनौल्टी में आ चुके हैं। यहाँ पे पेड़ बहुत लंबे
कुत्ता जो कि पेड़ों की रक्षा करता है और हिमालय में रहता है। देखते हैं मिलता या नहीं। यहाँ पे कुत्ता है, उसको उन्होंने बोला था कि इसके बच्चे मिल जाएंगे लास्ट टाइम, तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए दोबारा से यहाँ पे आया था। देखते हैं अभी। तो फिलहाल तंदूरी में है, बज रहे धनोल्टी में है, तंदूरी रोटी खानी है, बज रहे हैं 1:50। तो भैया के पास तंदूरी रोटी मिल गई है, थोड़ा खाते हैं। वाह बढ़िया रेस्टोरेंट है, तंदूर। तंदूरी नाइट रेस्ट्रो इन धनोल्टी, आपका तंदूरी नाइट के नाम से भैया है, ठीक है। प्राइस देख लो, सो फिलहाल हमने ऑर्डर किया है। सो गाइस हमारी दाल मखनी आ चुकी है, अभी खा के बताएंगे। और ये है कढ़ाई पनीर और रोटी। लेट्स स्टार्ट। सो हमने यहाँ पे खाना खा लिया है और अभी बज रहे हैं 2:20 और हम कोशिश करेंगे अभी कहीं ना रुकें, और रास्ते में अच्छा सा जंगल दिखा तो मेडिटेशन के लिए जरूर रुकेंगे, आधे पौन घंटा आराम करेंगे। और मुझे लग रहा है कि चंबा से पहले बहुत अच्छा जंगल है, वहाँ पर रुकेंगे। और मैंने कस्टमर को टाइम दिया नरेंद्र नगर में 5:30-6 बजे वहाँ से मिलना है, और फिर एक कस्टमर से ऋषिकेश में मिलना है। सो फिलहाल हम यहाँ पर रुक गए हैं थोड़ा, वो देखे तो सर तेरी क्लिप वो कर रहा हूँ। तो फिलहाल हम एक जगह देख रहे थे कि बहुत शांति की मेडिटेशन की। अच्छा वो जो रास्ता जा रहा है ना, सुन हमें सीधा जाना है, एक इधर को जा रहा है ये रायपुर, 68 किलोमीटर, यहाँ से कम नहीं है यार ये रायपुर जा रहा है, आगे भी जा रहा है। चल आ जा इस तरफ चलते हैं, आ जा हम थोड़ा मेडिटेशन के लिए जगह देखते हैं, आराम करने के लिए थोड़ा रिलैक्स करेंगे। हाँ उधर ही जाएंगे ऊपर की तरफ। तो एक्चुअली आप अपना कैंप भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे, है ना, अपना कैंप लेके आइए, कार पार्क करिए और रात को यहाँ लेटिए, सोइए, आराम से खाना पकाइए। यहाँ पे किसी ने बनाया भी है शायद, दारू भी किसी ने पी रखी है यहाँ पे। और है कहाँ पे, ये तो बकरी की होंगी, आ जा। अरे बकरी वाले रुकते हैं यहाँ पे, आ जा। उन्होंने बनाया था वो खाना वाना ना, जो आग लगाते हैं, वो चलते रहते हैं रुकते रहते हैं। आजा थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। इधर से कुछ व्यू आए, इधर से कुछ व्यू नहीं आ रहा, उस तरफ से जा सकते हैं और भी आगे। चल रहा है, चल उधर चल। सो हम आ गए यहाँ पे, थोड़ा सा व्यू आ गया। Head southwest. ओके। Head south. ठीक है ना, चल उधर चल रहे, शाम धूप में बैठना शाम में। ग्लेशियर दिख रहा है यहाँ से, हाँ दिख रहा है। चलो सो फिलहाल हम चंबा के मार्केट में हैं, अभी बज रहे हैं 4:04 और 1.5 घंटा और लगेगा, यानी कि 5:30 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे। अभी हम इस बेकर्स पे कुछ खाना खाया है, अभी लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पे और सब रुक गए हैं, दोनों तरफ रास्ता जाम है और बहुत बुरी हालत है। ये देखिए सब मिट्टी मिट्टी, ये जो चंबा से ऋषिकेश रोड जा रहा है पूरा बनने लग रहा है, ये चार धाम प्रोजेक्ट है। और सब देख रहे हैं कि सब देख रहे हैं कि यहाँ से ना गिरने लग जाए, ये तो ठीक है ना ठीक है फिर भी
आप ये भी देख सकते हैं पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है। ओ भाग गया ऐसे में आ रहा हूँ वहाँ से थोड़ा निकल रहा वो जो ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हर जगह धूल बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा हाल है। देख सकते हैं पेंट कैसी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ से अभी भी 15-17 किलोमीटर रह रहा है नरेंद्र नगर, फिर वहाँ पे कस्टमर से मिलकर सीधा ऋषिकेश निकलते हैं और वहाँ पे एक कस्टमर से मिलते हैं और फिर देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं डायरेक्ट शायद देहरादून निकले। तो ये तो सारे पोर्टल लगा रखा है तो ये देखो और पूरा धूल ही धूल हो गया। ले बाइक देख, बाइक देखो, ले मेरा पकड़िए, बंद कर दिए पता नहीं फोन पे भी धूल जम रही है, उधर अब दिख रही है सो दिस इज नरेंद्र नगर मार्केट, वी फाइनली कलेक्ट फॉर्म फ्रॉम अवर कस्टमर एंड दिस इज लवली, सुपर नीट एंड क्लीन, डिफरेंट आर्किटेक्चर नरेंद्र नगर। सो आई एम होल्डिंग माई फोन इन वन हैंड सो आई हैव टू कट द वीडियो, ओके दिस इज इनफ। सो दिस इज ऑल, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ऋषिकेश एंड फ्रॉम देयर वी डायरेक्टली गो टू A1 स्वीट शॉप, we eat jalebi and then we have to meet two customers and today only we will be at home because road is very beautiful from Rishikesh to Dehradun and within 40 minutes we can reach there. So wow, super lovely environment, super lovely day. To sir kaisa din tha aaj? Badhiya, maza aa gaya. Ha chalo, jaisa expect kiya tha usse acha hai. Pehle bhi aaya tha tu kahi baar lekin ghoom nahi paya tha, hai na? Chalo badhiya hai। तो गैस अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है जल्दी बताओ, शाम के 6:30 के करीब बज रहे हैं और धीरे धीरे जब तक हम ऋषिकेश पहुंचेंगे तो कम्प्लीटली अंधेरा हो जाएगा। और कोई बात नहीं, फिर आगे की मैं आपको रेस्टोरेंट से वीडियो दिखाता हूं कि जलेबी खाएंगे और फिर दो कस्टमर से और मिलके, और रात को जब मैं घर पहुंचूंगा तो इस व्लॉग को मैं एंड करूंगा और पक्का आपसे बात करने के बाद फिर इसको ऐड करके एडिट करके और शायद हो सकता है मैं आज ही या कल मैं आपको इस ब्लॉग को देखने को मिलेगा यूट्यूब पर। राजाजी नेशनल पार्क, ऑल राजाजी नेशनल पार्क, आई कैन सी थ्रू माय आईज एंड दैट्स देहरादून एयरपोर्ट। तो सर वो दिख रहा है, वो लाइटें जल रही हैं, वो देहरादून एयरपोर्ट है। तो यहाँ से ना ये रास्ता निकाल रहे हैं डायरेक्ट, वरना ऋषिकेश से आने की जरूरत नहीं है, अगर नरेंद्र नगर जाना है, समझ गया ना। तो एक्चुअली दिस रिमाइंड मी ऑफ लैंसडाउन, when I was in Lansdowne the same environment was there, people are in the evening roaming around on the road, this beautiful environment. Lansdowne is also same like this, but this is Lansdowne is bit more dense forest and more leopard there, you know, and more animals, so animal can't come here very less because river Ganga stopped them, so we stop here। एक्चुअली देख तो सर जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो देख कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पहाड़ वगैरह सिर्फ लाइट दिखाई दे रही है। तो हम थोड़ा सा, ये पूरा ऋषिकेश का नजारा है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रुक गए थे मनोरम दृश्य देखने के लिए। सो दिस इज ऑल ऋषिकेश एंड वी आर नाउ लेफ्ट फॉर, एक्चुअली वी आर अंडरस्टैंडिंग द व्यू हियर फ्रॉम हियर, वेयर इज़ वाट, सो दैट इज़ रिवर गंगा, यू कैन सी, सो आई हैव टू क्लोज दिस वीडियो बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट्स। तो
सो गाइस रात हम टाइम पे 10 बजे के करीब घर आ गए थे और फिलहाल अच्छी नींद आई और हमने ये काफ़ी अच्छा दिन था हमारा और तुषार ने बहुत एंजॉय किया, मैंने बहुत एंजॉय किया। इतनी खूबसूरत जगह और इतनी अच्छी राइड, पूरा दिन हम पता भी नहीं चला कि 12-13 घंटे कहाँ गए। और ऋषिकेश में भी काफ़ी मज़ा आया और नरेंद्र नगर में भी, चंबा में, टिहरी में, हर जगह इतना नीट एंड क्लीन और इतना बेहतरीन राइड और विदाउट एनी टायर्डनेस। सो ये हमारा व्लॉग था आज का और होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।